स्थित होने की प्रक्रिया जिसे हम आरोग्य साधना कहते हैं यह जितनी प्राकृतिक है उतनी ही वैज्ञानिक। इस आधारभूत मौलिक स्वास्थ्य साधना का विकल्प न तो रासायनिक कृत्रिम जीव वैज्ञानिक विकृत तंत्र एलोपैथी है न आधुनिक शल्य तंत्र जिनसे हमारी आनुवांशिकता को विद्रूप किया जाता है, नैसर्गिक गुण सूत्रों को अपमिश्रित किया जाता है। डॉक्टर चंचल मलजी चोरडिया प्रकृति विज्ञान के निष्णात आचार्य है, शिक्षा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, दीक्षा से 20वीं सदी के महान आचार्य पूज्यपाद हस्ती मलजी महाराज साहब के अहिंसक स्वावलंबी एवं स्वाध्याय के तपस्वी, व्यवसाय से इलेक्ट्रिक उपकरणों के अत्याधुनिक प्रबंध निदेशक होने के साथ आप यथार्थ में मानवतावादी चिंतक मनीषी और समर्पित बहुआयामी समाजसेवी है। डॉक्टर चंचलमल जी चोरडिया को यह श्रेय जाता है कि आपने पश्चिमी राजस्थान के दूर दराज के मरुस्थलीय गांवों में एक्यूप्रेशर सुजोग चुंबक रंग एवं रश्मि चिकित्सा पिरामिड मनोविज्ञान योग से लेकर शिवांबु सूर्यमुखी के तेल मेथी से उपचार जैसी सूक्ष्म विधियों से लाखों रोगियों का उपचार किया तथा हजारों जिज्ञासुओं को सैकड़ों शिविरों के माध्यम से शिक्षित और दीक्षित किया। आपने सूर्यनगर जोधपुर को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आरोग्य वैज्ञानिकों और नैसर्गिक चिकित्सकों का कुंभ बना दिया। इस दृष्टि से आप राजस्थान की युगांतरकारी विभूति है जो अब देश के प्रमुख महानगरों एवं विदेशों के विराट सम्मेलनों में अपने मौलिक पत्रों का वाचन कर अथवा प्रमुख वक्ता के रूप में उद्बोधन कर विलक्षण यश से विभूषित हो रहे हैं। डॉक्टर चोरडिया को जलगांव महाराष्ट्र में आचार्य हस्ती अहिंसा पुरस्कार जैसे सर्वोत्तम सम्मान से अलंकृत किया गया। कोलकाता के इंडियन बोर्ड ऑफ मेडिसिन अल्टरनेटिव मेडिसिन नेशनल हेल्थ एवं स्पिरिचुअल साइंस के राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्वर्ण पदकों एवं सुश्रुत जैसे राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य विज्ञान हेतु आप ईश्वर जैसे महती अलंकरण से विभूषित हैं। मुंबई इंदौर चेन्नई जैसे केंद्रों में प्रिंस ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूप्रेशर रत्न जेम ऑफ पिरामिड जैसी उपाधियों से प्रतिष्ठित किया गया। डॉक्टर चोरडिया ने प्राणी मित्र संस्थान के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजस्थान के चतुष्काल भीषण चार वर्षों के दुर्भिक्ष में लाखों गायों को तस्करी और वध से बचाने हेतु जुझारू बलिदानी व्यक्ति की भूमिका निभाई। संसद में गौहत्या निषेध विधेयक लाने में आपका अद्वितीय योगदान रहा है। श्री जैन रत्न हितेशी श्रावक संघ एवं महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष के रूप में आपने नेत्रहीन मूक वधिर अनाथ रुग्ण एवं अक्षम व्यक्तियों के संस्थानों में अविस्मरणीय सेवा कार्य किया। वैसे आप इंजीनियर होने के नाते राज्य की अनेक इंजीनियरिंग संस्थानों के महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहे हैं, किंतु कल्याणमल चंचलमल चोरडिया ट्रस्ट के प्रमुख संस्थापक ट्रस्टी के रूप में आपने अब तक हजारों स्वास्थ्य विज्ञान के मुद्रित शोधपूर्ण आलेख निशुल्क वितरित किए हैं। इसी ट्रस्ट से आपकी मौलिक तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या बुद्धिमान व्यक्ति मांसाहारी हो सकता है, स्वस्थ रहें अथवा रोगी फैसला आपका तथा आरोग्य आपका प्रकाशित की। डॉक्टर चोरडिया के शोधपूर्ण आलेख देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित होते रहे हैं। जब दो मनुष्य एक नहीं हो सकते तो दो रोगों का एक जैसे इलाज कैसे होगा। संपूर्ण शरीर तंत्र सापेक्षित रूप से जुड़ा है तो एक अंग या एक अंश का
पृथक उपचार कैसे हो? क्या मन से शरीर की सत्ता अलग है? बिना परिवेश को परखे केवल देह का वस्तु की भांति उपचार करना संभव है? जैसे आधारभूत तथ्यों के विवेचन से आप प्रवीण हैं, साथ ही अनेकांत की भांति आप प्रतिपल विकासशील प्रगतिपूर्ण रहे हैं। महात्मा गांधी की भांति आप सतत सत्य के प्रयोग करते रहे हैं, जैसे आपकी नई पुस्तक है भोजन और स्वास्थ्य। डॉक्टर चौरड़िया एक लेजेंडरी शख्सियत है। प्राय सभी चिकित्सा पद्धतियों को आपने स्वयं अपने पर प्रयोग किया। अपनी सुपुत्री के पावन परिणय के समय, एक भयानक दुर्घटना के वक्त तथा हृदयघात में भी आपने स्थित प्रज्ञ ऋषि की भांति धैर्य से प्राकृतिक चिकित्सा के विलक्षण स्वास्थ्य लाभ किया। इनके सैकड़ों किस्से समाज में पहले से चर्चित थे, अब प्रशस्त दृष्टांत बन गए हैं। दिनों से हमने ये देखा कि स्वावलंबी चिकित्सा के माध्यम से व्यक्ति अपना उपचार स्वयं कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है। उसे परामर्श केंद्रों की आवश्यकता होती है, और इसीलिए आज स्वावलंबी चिकित्सा के भी अनेकों परामर्श केंद्र चलते हैं, जहां पर रोगी आकर अपना ना केवल अपना उपचार ही करते हैं, लेकिन सही परामर्श पाते हैं, सही प्रेरणा पाते हैं, जिससे वे अपना उपचार स्वयं सीख सकें, कर सकें। हर स्थान पर प्रशिक्षण शिविर लगाना संभव ही नहीं है, अतः लोगों के अंदर स्वावलंबी चिकित्साओं के प्रति जन जागरण पैदा करने के लिए इस बात की आवश्यकता है। और ऐसा ही एक सेंटर जहां पर कि मैं कार्य कर रहा हूं, आपके समक्ष विभिन्न प्रयोग माध्यम से ये बताया जा रहा है। उन जोड़ों का दर्द ठीक होता है, ऊपर नीचे करने से जितना वजन सर नीचे करता हूँ, वापस नीचे ऊपर, जितना व्यक्ति सहन कर सकता है उतना वजन दिया जाता है, और वजन के माध्यम से जो जो घुटनों के जॉइंट हैं, टखने के जॉइंट हैं, वो सारे सारे जॉइंट बन जाते हैं। पैरों के अंदर हमारे सारे रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं, और जब पैरों को रोल को चलाओ, इस रोलर से नीचे पैर चलाने से सारे के सारे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक बेल्ट है। शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, चुंबकीय ऊर्जा के हिसाब से सारे के सारे शरीर का असंतुलन चुंबक के कारण होता है, और शरीर में इस बेल्ट के तीन पार्ट हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। पेशेंट को सुला दिया जाता है, और ये दोनों मैग्नेट है, इसके अंदर ये दो साइड के अंदर दोनों मैग्नेट हैं, जिसके नीचे ये टखने और पखली पूरी रहती है, घुटने के नीचे भी दो मैग्नेट हैं, और इसी तरह से लंबर के साथ में जो हमारा कमर है, कमर के नीचे भी मैग्नेट्स हैं, और इसके साथ साथ पूरा जो लंबर पोर्शंस हैं, लंबर पोर्शंस और कंधे के भी मैग्नेट्स हैं। पेशेंट गहरा सांस लेता है और अपने पैरों को आगे पीछे करता है, जैसे अब जैसे इसके अंदर है, वैसे नहीं दिखता है, भी लेता है, ठीक है, इसके अंदर था, और जब ज्यादा दर्द होता है इसके साथ में इसका मसाज भी कर दिया जाता है। ये चुंबकीय ऊर्जा बॉडी के अंदर जाती है और जो अवरोध आया हुआ है उसको दूर कर देता है। इस प्रकार जिसके घुटने में दर्द है, साथ के साथ में घुटनों पर, अब आजा इधर, इसे लिखते हैं कमर पे चुंब, जैसा कि बताया गया है कि जो भी अपन उपचार करते हैं, चुंबक का उपचार जितना ज्यादा पैरों और हाथों का मूवमेंट होता है, चुंबक के ट्रीटमेंट के हाथ में मूवमेंट बहुत आवश्यक है, और इसीलिए चुंबक का ट्रीटमेंट करते समय ये ट्रीटमेंट आवश्यक है। पेशेंट को उतना ही चुंबक देते हैं, बैठ देते हैं जितना कि, ताकि उसके सिर में भारीपन नहीं आए, क्योंकि पेशेंट ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम 5 से 10 मिनट से ज्यादा एक एक पेशेंट को यहाँ पर बैठ दे नहीं सकते। उसके बाद में पेशेंट उठ जाता है, उठने के बाद में बैठो, पेशेंट बैठ देते हैं, और एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए
लकड़ी के पट्टे पर यह सब बैठ रख देता है ताकि जो भी ऊर्जा ग्रहण की गई है वह ऊर्जा बाहर में निकले और उसके बाद में पेशेंट को वहां से दूसरा पेशेंट आके सो देता है। नजर के अंदर सारे सेट पॉइंट एक्टिवेट होते हैं, इलेक्ट्रिकल से चार्ज है और वाइब्रेशन होता है ताकि हमारी पथथैली के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर की रिफ्लेक्सिव रेंज के हिसाब से जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं और जैसे जैसे पॉइंट एक्टिवेट होते हैं वहां से जो विजातीय तत्व हैं टॉक्सिन्स हैं वो दूर हो जाते हैं और जिससे एक्यूप्रेशर के बाद में जब एक्यूप्रेशर करते हैं प्रेशर लगाते हैं तो कम प्रेशर के अंदर हमें ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसी प्रकार ये चुंबकीय उपचार का अलग अलग तरीके बताएंगे। सबसे पहले पैरों के अंदर जो दोनों पैर हैं उनकी पथथैली के नीचे बाएं तरफ लाल और दाएं तरफ आसान चुंबक दिया और ये सेल्फ ट्रीटमेंट हो रहा है। पेशेंट्स को कुछ भी अनुरोध है साथ का साथ में पेशेंट चाहे तो अपना दूसरा भी काम पढ़ सकता है। यहाँ पर इनके घुटने में दर्द है और घुटने में दर्द है तो पैर के नीचे भी ट्रीटमेंट चल रहा है और साथ के साथ में ये घुटनों का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। जैसे पैर के अंदर ट्रीटमेंट करते हैं वैसे अपन हाथों के अंदर भी हाथों के नीचे भी अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पैर और हाथ दोनों का ट्रीटमेंट साथ में करते हैं। हाथ चलो हाथ अपन एक साथ के अंदर बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट है फिर लगाओ और जिनको ये एक्यूप्रेशर डबल इफेक्ट पड़ जाता है वाइब्रेशन के हिसाब से मशीन के अंदर करने के साथ में केंद्र पर बहुत से चिकित्सक काम करते हैं और पेशेंट्स का उपचार करते हैं। एक्यूप्रेशर के अंदर और सुजोग के अंदर हथेली के अंदर उपचार कर भी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। जहां जहां पर दर्द आता है उन पॉइंट को एक्टिवेट किया जाता है जिम्मे के माध्यम से ये पॉइंट एक्टिवेट रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि आशा जी हैं जैसे बताया कि पैर की जो पांचों उंगलियां हैं हमारा सारा नाड़ी संस्थान कंट्रोल करती है और जब पैर की उंगलियों के अंदर हम दबा देते हैं तो हमारा सारा नाड़ी संस्थान एक्टिव हो जाता है। तो जिन व्यक्तियों की स्नायु संबंधी रोग ज्यादा होते हैं उनके यदि हम पांचों उंगलियों का भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे हमारा उपचार हो सकता है। ये भार्गव साहब ये भी हमारे सेंटर में काम करते हैं और जहां दर्द आ रहा है जिस स्थान पर दर्द आ रहा है उस स्थान पर मीठी लगा रहे हैं तेल से लगाकर जहां मेथी चेप दी और मेथी से पेशेंट को रिलीफ देने का कार्य। यहां पर फिर समाजी जिनके ज्यादा पेन होता है उनके मतलब हैवी वाइब्रेट के स्टार के माध्यम से और इस मशीन द्वारा एडी से लगाकर गर्दन तक सारे शरीर का सहज भाव से व्यायाम हो जाता है। टाइम सेट कर दिया जाता है 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट जितनी आवश्यकता होती है पेशेंट को उसके हिसाब से चला देते हैं। पेशेंट आंसर देते हैं और उसको करने के बाद में पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। ये दवा टेस्ट करनी है तो पहला एक हाथ यहाँ पर और दूसरा हाथ यहाँ पर लगाकर बिना दवा पूरी ताकत करते हैं और दवा लेके बाद में ये देख लेते हैं कितना वजन आया। उसके बाद में ये दवा को यहाँ पर लिया और फिर देखा कितना वजन आता है। यदि दोनों का वजन में अंतर आता है अगर वजन बढ़ता है तो ये दवा काम की है और यदि वजन घटता है ये दवा काम की नहीं है। पानी को चार्ज किया जा रहा है तो जिस किसी रोगी को जिस प्रकार के पानी की आवश्यकता हो देखा ये सफेद हरी बोतल के सामने हरी बोतल या दूध तो आती नहीं है हरी बोतल के अंदर हमने ये पानी चार्ज किया और इसी ढंग से अगर चाहें चुंबक से भी ये पानी को चार्ज किया जा सकता है। सारे बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं वो ट्विस्टिंग करने से बॉडी बहुत रिलैक्स हो जाता है और पेशेंट को आराम मिलता है।
गर्दन के अंदर जकड़न होती है, ज्वाइंट जकड़न होती है, तो इस प्रकार इसका इससे करने से इसको मन से रिलैक्स हो जाता है। ये नीचे रोलर्स हैं, रोलर्स के माध्यम से, पिरामिड पैटर्न के माध्यम से, सारे के सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य है कि शरीर को कैसे रिलैक्स किया जाए। पथलिए बैंड, ये पल्सरिंग बैंड है, जहां पर बड़ा बैड नहीं होता है, और कोई पर्टिकुलर ज्वाइंट पर, कमर पर, जहां पर दर्द ज्यादा हो, वहां पर ये हाई पावर पल्सरिंग मैग्नेट है, जिसमें मे कैंप एक साथ होता है, हम उस स्थान पर उसको मैग्नेट लगा देते हैं। बैड के अंदर तो सारे मैग्नेट एक साथ लगते हैं, लेकिन इसके अंदर जहां पर दर्द ज्यादा हो, उसी स्थान पर इसको लगा दिया जाता है, ये पल्सरिंग मैग्नेट भी साथ में। और जब और ज्यादा उपचार करना होता है, तो उसके साथ साथ क्या करते हैं, अपना दूसरा एक हाई पावर मैग्नेट भी लगा देते हैं। पर आज का है नहीं 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 कहाँ तो पूरा के अंदर एक बैठ जाओ, एक घुटने के लगा देता हूँ। अब ये ग्लास पकड़ लेती है, जैसे छोड़ा ये ग्लास को, ग्लास पकड़ इसलिए इसको जितना व्यक्ति सहन कर सके उसके हिसाब से लगाने से दर्द तुरंत ही दूर जाता है। इनके नाभि लगी हुई है, ग्लास लगी हुई है, ग्लास निकल नहीं रही है, कितने निकल रहे हैं। और इसलिए जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो हम थोड़ी देर के ग्लास लगा देते हैं, क्योंकि केंद्र के लिमिटेशंस है। लेकिन यह व्यक्ति अपने घर पर भी इसी ढंग से यह ट्रीटमेंट कर सकता है, और जब ग्लास अपने आप वापस निकल जाती है तो नाभि अपने जगह पर आ जाती है। करने के साथ साथ जब नाभि लगाते हैं उसके साथ में पेशेंट को गहरा सांस लेने की बात कहती है, ताकि पेशेंट गहरा सांस ले। जैसे ही वह गहरा सांस लेता है और कम करता है तो नाभि इधर उधर आसपास के एरिया से नाभि हटकर अपने स्थान पर जाती है। फिर भी अगर नहीं आती है तो इसको जैसे भी दबाया, ग्लास को हटाया और पेशेंट को आप मोड़ के बैठ जाइए, बैठ जाइए, और नाभि सेट के बाद में कुछ खाने के लिए दिया जाता है, ताकि जो चीज है, जो नाभि है, अपने जगह पर आई है, वो कुछ देर वहां पर स्थिर रह सके। ये बैठ के खाने, नाभि सेट करने का एक तरीका और भी है, जिनमें ये सिंगल पोलर डबल पोलर मैग्नेट है, बाकी मैग्नेट तो दोनों तरफ, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ होता है, इसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेट्स एक के बाद नॉर्थ साउथ लगा हुआ है, जैसे ये लगा हुआ, ये साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये वापस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वापस, तो सारा का सारा एरिया नाभि और जितने भी चक्र हैं, जिन चक्रों को बैलेंस करना है, यदि ये सिंगल पोलर मैग्नेट मल्टीपोलर मैग्नेट वहां पर लगा दिया जाए तो नाभि अपना ठीक हो सकती है। नाभि पर बर्फ लगाकर, यदि बर्फ का एक छोटा सा क्यूब भी लगाते हैं तो उससे सिकुड़न पैदा होती है, और सिकुड़न पैदा होने के बाद में भी उसको ठीक। जिन पेशेंट के कमर के अंदर ज्यादा दर्द होता है, बर्फ गर्द है, तो वहां पर वॉल्स के स्थान पर हम वैक्यूम पंप से भी इसके अंदर दबाव को कंट्रोल कर सकते हैं, जितना दबाव है उतना कंट्रोल कर सकते हैं। उसको लेके
जितना पेशेंट को सहन हो, प्राय जिनकी स्लीपलेस होती है और स्लीपलेस वालों की क्या नर्व दब जाती है, बॉल से वो बराबर अपना जगह बनी जाती है, इससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। और ये कंट्रोल करने के बाद में वैक्यूम पंप के माध्यम से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यह ट्रीटमेंट खासकर घुटनों के लिए, कमर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। और उसको करने के बाद में जैसे भी टॉक्सिन मास रिमूव होता है, रिमूव होते ही पेशेंट्स को आराम मिल जाता है। पेशेंट को जब भी यह ट्रीटमेंट करते हैं, गहरा सांस लेने के लिए कहा जाता है, ताकि उस स्थान पर चेतना का जो फोर्स है, श्वास के माध्यम से जो चेतना का फोर्स है, वो फोर्स वहां पहुंचे और जो ये वैक्यूम से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसके माध्यम से उस टॉक्सिन्स को वहां से वो हटा देता है। इनके सांस की तकलीफ है, इस पर छोटा ये चुंबक है भाई, ये इस पर लंग्स पे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजयाणम, नमो लोये सबसाणम, ऐसो पंच नमोकारो सबो पाव पणासनो मंगलानंच सवेशम परमहैमनम। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद ज्योति से अज्ञान तम का नाश हो, धर्म के सदयाचरण से शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक हो वे दूर हे परमात्मा, ज्योति से परिपूर्ण हो वे सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार बारे हो।